बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर। मेरा नाम है फैसल मुगल और आप देख रहे हैं बाइक में पी के। बहुत अरसे बाद हम न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी रावलपिंडी पे वापस आए, क्योंकि स्टॉक, मच अवेटेड स्टॉक जो था, इट हैज़ अराइव्ड। और आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप देखेंगे विनर मोटरसाइकिल 150 सीसी, इसके बहुत ज़्यादा इस वक्त इनके पास स्टॉक आया हुआ है डिफरेंट कलर्स में, जिसकी तफसील इंशाल्लाह आगे चल के हम आपको वीडियो में बताएँगे। उससे पहले, अगर अभी तक आपने बाइक में पी के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इसी किस्म के फन वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। इसके साथ साथ न्यू पार्क ट्रेडिंग के भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी रावलपिंडी का यूट्यूब लिंक भी मौजूद है और फेसबुक और इंस्टा भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, गो ओवर देयर एंड फॉलो देम एज वेल। फैसल भाई बताइएगा, ये जो न्यू स्टॉक आया, वैसे तो काफ़ी सारा स्टॉक आया लेकिन आज हम फोकस कर रहे हैं विनर पे जी। तो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? हमने पहले भी गालिबन एक वीडियो बनाई थी इसकी, बिल्कुल। और 150 सीसी में इट इज़ बाय फार द फास्टेस्ट मोटरसाइकिल यू कैन हैव। मैंने खुद ट्राई किया था और एक्चुअली हमने रेस भी लगाई थी और इट ब्लू मी अवे। उसकी वीडियो भी मौजूद है, आप देख सकते हैं, ऊपर आ गया होगा यहाँ कहीं पे, तो आप जाके वो चेक कीजिएगा जिसमें हमने रेस लगाई थी इसकी। फैसल भाई का दावा है, मैंने दो तीन दफ़ा फैसल भाई से पूछा कि आर यू श्योर, ही सेड यस आई एम श्योर। फैसल भाई, आप बता रहे थे कि 150 सीसी मोटरसाइकिल है लेकिन जो हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करता है वो 21 हॉर्स पावर है, राइट? तो हाउ कम 21 हॉर्स पावर, जबकि जिक्सर 150 जो है वो तो राउंड 14 इफ आई एम नॉट रॉन्ग हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, तो ये कैसे 21 हॉर्स पावर, कौन सी टेक्नोलॉजी? मोस्टली जो जितने भी 150 सीसी कैटेगरी में बाइक्स आते हैं उनके ना जो इंजन टेक्नोलॉजी और जो स्पेशली जो हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं 14 टू 15 मैक्सिमम होती है, जितने भी ब्रांडेड बाइक्स भी हैं और चाइनीज़ भी हैं। तो ये इसमें जो हमने किया काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग है, जो आपको डिटेल इसकी ब्रीफिंग भी देंगे, जो हमने इसके अंदर चेंजिंग किया। स्पेशली जो इंजन है ये काफ़ी अपग्रेडेड इंजन है और ये है कि ये इंजन जो है हाई टेक और ट्यून्ड इंजन है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा है। मतलब स्टॉक नहीं है ये? नहीं, स्टॉक नहीं है, ये स्पेशल इंजन है और हाईटेक इंजन है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू नॉर्मल 150 से काफ़ी ज़्यादा है। और आप बता रहे थे ट्यून्ड है, ट्यून्ड होने की वजह से इसकी हॉर्स पावर बढ़ गई, बिल्कुल ऐसे ही। तो अच्छा, स्पेक्स के बारे में थोड़ा सा बता दें, कौन सा इंजन है ये? इसमें जो इंजन यूज़ किया गया है जोंगशन का इंजन यूज़ किया गया, हाईटेक इंजन है और ये काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करता है। इसकी इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट वीडियो इसमें या इसकी टेस्ट राइड भी आपको चेक करवाएंगे। ऑलरेडी जैसा कि आपको वीडियो लिंक ऊपर दिया जाएगा, जिसकी मैं पुरानी इसका जो मॉडल था उसके अंदर वीडियो हमने टेस्ट राइड की थी। अभी भी अगर कोई हमारे साथ कंपेरिजन करना चाहता है 250 सीसी बाइक के साथ, किसी भी बाइक के साथ इसकी हम रेस कर सकते हैं किसी भी ट्रैक पर प्रॉपर, तो आप उसके ऊपर भी इसका स्पीड कंपेरिजन और इसकी क्वालिटी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। अच्छा, किसी को कोई कब कैसे करेगा, वी डोंट नो अबाउट इट, लेकिन हम बजाते खुद कर लेंगे एक टेस्ट जी, बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे 250 सीसी, 400 सीसी, मतलब बियॉन्ड काफ़ी सारे बाइक्स यहाँ पे मौजूद है। तो मेरा आइडिया ये है कि हम किसी 150 सीसी के साथ ही पहले एक इन्फिनिटी के साथ भगा लेंगे इसे, क्योंकि वो भी 150 सीसी है, और दूसरा ये है कि एक 200 सीसी है आपके पास जो मोटरसाइकिल है, हमारे पास सुपर पावर सुल्तान, उसके साथ भी भगा के देख लेंगे ट्रैक पे, और मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। मकसद ये है कि बाद लोग ही लोगों के थोड़े में ब्रेन में आता है कि भाई ये अपनी जो चीज़ है उसको एक अच्छी ब्रीफ करने के लिए, एक बढ़ा चढ़ाने के लिए वो यही करेंगे, इसको विन कर देंगे। इसलिए मैंने तो पर्सनली राइड किया ना, मैं तब आपको बता रहा हूँ कि ये मतलब लिटरली वो जो कहते हैं ना कि स्मोक यू आउट ऑफ योर सॉक्स वाली बात है, कि मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बड़े मोटरसाइकिल्स के रिव्यू किए हैं, किसी में मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर ये बात नहीं करता, दिस इज़ समथिंग। और इसने लिटरली हैरान किया था कि 150 में इतनी पावर कहाँ से निकल सकती है, या तो मुझे लगता है इन्होंने ये है बड़ा इंजन है तो 150 करके बेच रहे हैं। इसमें यह है कि जो इंजन टेक्नोलॉजी इसके अंदर अभी चाइनीज़ ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है, तो इसके अंदर डे बाय डे वो इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और इंजन के अंदर जो स्पेशली जो इसकी हॉर्स पावर इसके ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है इंपोर्टर और सप्लायर के ऊपर, वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, क्या करता है। अब जिस तरह अगर एक नॉर्मल सी बात करूँ, इसी में हमारा जो प्रीवियस मॉडल था, इस फ्रंट पर आपको
आपको क्लोजअप में चेक करें, इसके अंदर लाइट थी नॉर्मल जिसमें हैलोजन बल्ब थे, तो इसी में हमने ये इसमें अपग्रेडेड करा के अब इसके अंदर प्रोजेक्टर लाइट भी डीआरएल लगाए, तो इसी के अंदर तकरीबन कॉस्टिंग 5 to 6,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अच्छा एयर कूल्ड इंजन है ये, इंजन की स्पेशली जो इसका इंजन है 150 cc इंजन है और जो इसकी हॉर्स पावर है 21 horsepower प्रोड्यूस करता है 8,500 rpm पे, और इसकी जो टॉर्क की बात करें 17.2 nm प्रोड्यूस करता है ये 6,000 rpm पे, और इसकी जो गियर ट्रांसमिशन है 6 gear transmission है, रिटर्न शिफ्ट के साथ फर्स्ट फॉरवर्ड है और 5 back रिटर्न शिफ्ट के साथ आता है, और ये सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है इसका जोंगशन का। तो कार्बोरेटर है या FIA है? इसमें मोस्टली हमारे पास जितनी भी कंसाइनमेंट आती है हमारे पास जो कस्टमर फीडबैक है वो अल्हम्दुलिल्लाह कार्बोरेटर बेस का ज़्यादा अच्छा है। उसकी सबसे मेनली वजह है कि हम पिंडी इस्लामाबाद में तो आपको अच्छा मैकेनिक वगैरह मिल जाता है, बाकी जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं स्पेशली ऐसे एरियाज़ में जो बाइक्स हमारी डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान जाती है, तो कुछ एरियाज़ में इशूज़ लोगों का आता है कि वहाँ पर EFI मैकेनिक नहीं होता। EFI बाइक्स के लिए यह है कि पेट्रोल एवरेज तो आपको अच्छी देता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर स्कैनर चाहिए और एक अच्छा प्रोफेशनल मैकेनिक चाहिए होता है, जिसकी वजह से ये बेहतर यही है कि आप कार्बोरेटर बेस हमने इसको फोकस किया ताकि हर बंदा इजीली इसको ऑपरेट कर सके, वरना यह है कि आपको बाइक टो करके बड़े शहर में लाना पड़ता है, वो उल्टा खर्चा बढ़ जाता है। अच्छा आपने माइलेज की बात की, अच्छी माइलेज देता है, क्या माइलेज देता है ये? माइलेज की बात करें तो 35 to 40 km/l देने की इसकी सलाहियत है, और जो इसका फ्यूल टैंक है 16 liter का फ्यूल टैंक स्टोरेज कैपेसिटी है फ्यूल टैंक की। अच्छा अब मुख्तसर करते हैं इस वीडियो को ताकि लोग ज्यादा बोर ना हो जाएं। जी बोर तो मेरा ख्याल नहीं होंगे, इतने फैंसी कलर्स हैं, ग्रीन कलर है, ब्लू है और ये पर्ल वाइट कलर है, पर्ल वाइट है और स्पोर्ट्स येलो है, इसे आप क्या कहते हैं इस येलो कलर को? जी ये स्पोर्ट्स येलो कलर है, उसके बाद रेड में कलर है और इसमें ब्लैक में भी हमारे पास कलर स्कीम मौजूद है। ठीक हो गया, प्राइस की अगर बात करें तो ये क्या आपको हमें कॉस्ट क्या करें? ये वेरी स्पेशल प्राइस है हमारे तमाम कस्टमर्स के लिए जो नए भी हैं हमारे और जो पुराने प्रीवियस कस्टमर हैं, कि ये हम प्राइस टैग इसका वेरी स्पेशल दे रहे हैं और चैलेंज के साथ पूरे इस स्पेक्स के साथ पूरे पाकिस्तान में चैलेंज है, कोई भी आपको इस प्राइस टैग में बाइक्स नहीं देगा। प्राइस की बात कर लें तो इसकी प्राइस है जस्ट ओनली 375, 375,000 इसकी प्राइस है सिर्फ, ये बात इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 375,000। चलिए साउंड चेक करते हैं इसकी कि साउंड कैसी प्रोड्यूस करता है 150 इंजन इसका। बिस्मिल्लाह रहमान, साउंड गुड इनफ है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम 150 cc? 150 cc के हवाले से मोर देन इनफ है साउंड, और ये ज़्यादा अनोइंग साउंड नहीं है, कान नहीं फटेंगे आपके और तंग भी नहीं होंगे लॉन्ग राइड्स पे। जैसा कि मैं बता रहा था कि ये जो साउंड है जो ब्लू बाइक में से आई, इट इज़ गुड इनफ मेरे जैसे राइडर के लिए, इट इज़ मोर देन इनफ, आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ अ साउंड। लेकिन अगर आप यंग हैं और आप एक स्पोर्ट्स बाइक शेप में से स्पोर्ट बाइक साउंड भी चाहते हैं तो आपको लगा लगाया इसके साथ एग्जॉस्ट मिल जाएगा। किसी किस्म की आपको चेंजिंग की जरूरत नहीं है, हमारे पास जिस टाइम मौजूद है जितने भी आर्टिकल ये स्लिप ऑन है, विद इन 5 minutes आप कोई भी एग्जॉस्ट अगर पसंद करते हैं और बाइक मेट पिक कोड करते हैं तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट में रिप्लेसमेंट करके एग्जॉस्ट चेंज कर दिया जाएगा इसी प्राइस टैग में। ठीक होगा, तो गाइस ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। बाइक्स नो डाउट बहुत प्यारे हैं, चला मैं चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं कॉन्फिडेंटली आपको बता सकता हूँ कि ट्रस्ट मी 150 cc में दिस इज़ द फास्टेस्ट मोटरसाइकिल यू कैन हैव। इंशाल्लाह जैसे अभी हमारी डील हुई है इसे भगा के भी हम चेक करेंगे, दीगर 125 के साथ भी भगाएंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार 125 तो आगे निकल जाता है इससे, तो उसे भी हम इंशाल्लाह विल ट्राई टू बुली इट एज वेल, और फिर 200 और 250 तक ये इंशाल्लाह हैंडल कर लेगा। अच्छा इसमें आपको USB सॉकेट भी मिल जाती है। आपको जो चेंजिंग्स बता दें, इसके अंदर हमने जो चेंजिंग्स की थी सबसे स्पेशली जो इसकी फ्रंट पे
आपको दिखा दें लाइट्स, तो इसके अंदर हमने जो पिछले प्रीवियस मॉडल था उसके अंदर हेलोजिन बल्ब था, तो इसके अंदर अभी हमने प्रोजेक्शन लाइट है विद DRL और ये काफ़ी ज़बरदस्त लुक देती है और इसकी जो रोड के ऊपर विजिबिलिटी है लाइट्स की काफ़ी अच्छी है, आपको प्रॉपर एक रोड के ऊपर फोकस मिल जाता है। इसके साथ ही जो इसमें जो ग्रिप्स असम्बली थी वो चेंज की, जिसके अंदर ये हमें 4x4 इंडिकेटर हैज़र्ड लाइट्स की ऑप्शन मिल जाती है। इसके साथ यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट है जिसके अंदर आप कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस या मोबाइल को ईजिली चार्ज कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो इसकी जो कलर स्कीम है वेरी स्पेशल, ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आई है जो इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास सारे कलर स्कीम मौजूद है। इस टाइम 6 कलर स्कीम है, ग्रीन में, ब्लू पर्ल ब्लू में, पर्ल वाइट येलो और रेड एंड ब्लैक कलर स्कीम में मौजूद है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बाइक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी किस्म के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामुअलैकुम।